क्या बोलते हैं, ये इनपुट चार्ज हो गया और ये हो गया आउटपुट चार्ज, ठीक है। इनपुट का सबसे छोटा गियर, ठीक है, इनपुट का सबसे छोटा गियर और आउटपुट का सबसे बड़ा गियर, वो अपना एक नंबर गियर होगा। अच्छा, ठीक है, ऐसे लगा रहता है ना, ऐसे लगा था ये इनपुट का, ये इनपुट चार्ज होगा जिसमें अपना क्लच प्लेट लगता है, तो ये इसको बोलते हैं इनपुट चार्ज। और इसका पहला गियर सबसे छोटा है, आउटपुट का सबसे बड़ा गियर अपना, तो इसको बोलते हैं एक नंबर। ये ठीक है, ये जो है, ये जो टिथ जिसका सीधा सीधा है, ये इसमें दिख रहा है ना, ये अपना स्पर गियर इसको बोलते हैं, स्पर गियर। हाँ, इस टाइप जो टिथ सीधा होता है वो इसको स्पर गियर बोलते हैं। ये उसी में जमा हुआ है ना, बाकी जो एंगल में है इसको बोलते हैं हेलिकल गियर। अच्छा, हेलिकल गियर गियर और ये स्पर गियर। हाँ, ये वाला जो है हेलिकल, हाँ, जो एंगल में है, जो टीथ एंगल में है उसको हेलिकल गियर बोलते हैं। अच्छा, जो एकदम स्ट्रेट होता है, जो आपस में दोनों टीथ मैच होते हैं, ये वाला स्ट्रेट वाला, इसको बोलते हैं स्पर गियर। इस टाइप के गियर को स्पर गियर बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो घूम रहा है, कुछ जाम, जैसे ये जाम है और ये घूम रहा है, बता रहा है वो जो इसमें, अगर इसका जो फिक्स होगा तो इसका फ्री होगा। अच्छा, और इसमें जो फिक्स होगा, मतलब आउटपुट का फिक्स होगा, इसमें इनपुट में फ्री होगा। अच्छा, ऐसे होना चाहिए, तो वो इनपुट में ही आता है जो फिक्स होता है, ठीक है, आउटपुट में नहीं होगा, आउटपुट में फ्री होना चाहिए। दूसरा नंबर गियर, क्योंकि मेन शाफ्ट इसको इनपुट शाफ्ट या मेन शाफ्ट इसको बोलते हैं। अच्छा, और बाकी इंजन इसी को, इंजन तब एक करके बता देते हैं, इंजन इंजन इसी को घुमाता है और इसके थ्रू ये घूमता है। इसमें जैसे एक नंबर गियर, दो नंबर गियर, कौन कौन सा है? मैं क्या बोला, इसको बंद कर दो।